दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। फैसला स्पेशल जज एम के नागपाल ने सुनाया। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश के पीछे असली दिमाग सिसोदिया का था। हालांकि सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। एक दिन पहले सीबीआई केस में सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी गई। जस्टिस नागपाल का मानना है कि सिसोदिया ने ही शराब विक्रेताओं की योग्यता और उनके प्रॉफिट मार्जिन को बदला था। सिसोदिया ने यह काम मंत्रियों से चर्चा के बिना किया था। सिसोदिया ने साउथ लॉबी की जरूरतों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट को बदला था। ईडी के पास इस बात के सबूत है कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम में शामिल हैं, इसलिए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जाती है। इस केस में सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर फैसला 6 मई को आएगा। इससे पहले 27 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज एम के नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो 25 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराए। दरअसल मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश ने तर्क दिया था कि अधूरी चार्जशीट या अधूरी जाँच के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।